एवरी वन नमस्ते एंड वेलकम टू स्टाइल रनिका कै मेकअप एंड ब्यूटी कैटेगरी में बहुत सी ब्रांड्स हैं लेकिन कुछ ही ऐसी ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है जिनके प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल हैं ऐसे ही एक ब्रांड है रेने एंड रेने ने हाल ही में अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड रेने के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स का आज आप रिव्यू देखने वाले हैं साथ ही भी देखेंगे और ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं एमेजॉन से जैसे अमेजॉन पे चल रही है अल्टीमेट ब्रांड सेल फ्रॉम फिफ्थ टू नाइन्थ जुलाई एंड यहाँ आपको मिलेगा मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ प्लस अप टू एक्स्ट्रा फाइव परसेंट ऑफ एंड टेन परसेंट कैश बैक फॉर प्राइम मेंबर्स सो गो एंड शॉप योर फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम एमेजॉन एट नेवर बिफोर प्राइस सो अब फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं

इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ पेस्टल पिंक प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग जो कि काफी इजी टू यूज एंड ट्रेवल फ्रेंडली है आउटर पैकेजिंग के साथ साथ ट्यूब के ऊपर भी आपको सारी डिटेल्स मेंशन की हुई मिल जाएंगी सर दिस प्रोडक्ट कम्स इन दिस काइंड ऑफ लाइट पिंक कलर एंड टेक्सचर की अगर बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ सा जेल लाइक -like इसका टेक्सचर है एंड काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी ले ली थी तो फेस के लिए काफ़ी कम क्वांटिटी लगने वाली है वहीं ब्लेंडिंग की अगर बात करूँ तो काफ़ी आसानी से ब्लेंड हो रहा है एंड इट फील्स सो स्मूद एंड सो सॉफ्ट ऑन माई स्किन इस मॉइस्चराइजर में छोटे छोटे शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करते हैं साथ ही काफी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है हेवी फील नहीं होता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश एंड हाइड्रेट करता है एवरीडे पर्पस पर्पज के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है और हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है नेक्स्ट वन इज अगेन अ न्यू लॉन्च एंड दिस वन इज प्रिंसेस बाय रेने Frozen फ्रोजन आइसक्रीम लिप Gloss. ये मैंने अपनी डॉटर के लिए ऑर्डर किया है बिकॉज अक्सर वो भी मेरा मेकअप यूज करने के लिए जिद करती है सो आई थॉट की कुछ ऐसा लिया जाए जो उसके काम का हो और ज्यादा हार्मफुल ना हो दिस प्रोडक्ट इज एनरिच्ड विद शिया बटर रोज हिप एंड oil. ऑयल it इट fruit फ्रूट एक्सट्रैक्ट strawberry and एंड It इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ वेरी क्यूट आइसक्रीम पैकेजिंग एम आर पी है फोर फिफ्टी रुपीज़ बट एमेज़ॉन पे ईज़िली आपको ये फोर सिक्सटी के अंडर मिल जाएगा साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है लगभग तीन साल की पैकेजिंग बहुत ही क्यूट एंड किड्स फ्रेंडली है बच्चों को देखने में एंड इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा आएगा वॉन्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छे से ये लिप ग्लॉस को लगाने में और स्प्रेड करने में हेल्प करता है फॉर्मूला बहुत ही लाइट वेट है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है यूजफुल प्रोडक्ट है इसे आपके बच्चे भी यूज कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं ऑल्सो गिफ्टिंग के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है नेक्स्ट वन इज अगेन अ न्यू लॉन्च बाय रेने एंड दिस वन इज रेने मिडनाइट कोल पेंसिल दिसने फोर फिफ्टी रुपीज बट एमेजोन पे आपको आराम से फोर हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा क्वांटिटी आपको मिल जाती है वन पॉइंट फाइव ग्राम्स की और रेने का ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है इसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड भी कर रहे हैं सो आई थॉट आपके साथ भी शेयर करना बनता है इसमें आपको मिल जाता है एक शार्पनर और एक काजल पेंसिल पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है देखने में भी बहुत सुंदर लगता है एंड इसका बस एक ही कौन है कि ये पेंसिल फॉर्म में है जिसकी वजह से प्रोडक्ट वेस्टेज होगा एंड दिस इज हाउ द काजल लुक्स इस काजल की पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है लाइक like आप लोग देख सकते हैं वन स्वाइप में कितना अच्छा पिगमेंटेशन है काफ़ी इंटेंस ब्लैक कलर है जो कि बहुत सुंदर लगता application है अप्लिकेशन के टाइम ये बहुत ही स्मूद एंड कम्फर्टेबल फील करता है वहीं थोड़ी देर बाद ये मैट में कन्वर्ट हो जाता है और बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है तो अप्लाई करने की कुछ देर बाद ही इसे स्मज करने की कोशिश करें वरना हल्का सा ये ट्रांसफर होता है सो so मैंने इसको वाटर टेस्ट भी किया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रनिंग वाटर में मैं इस काजल को रख uh, रही हूँ फिर भी बिल्कुल भी स्मज या फेड नहीं हो रहा है अब मैं आपको टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे पानी को हटा के देखती हूँ काजल निकलता है या नहीं वो भी देख लेते हैं सो so, टिश्यू पेपर की हेल्प से मैंने वाटर को रिमूव किया है काजल से और, और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी काजल स्मज नहीं हुआ है फेड भी नहीं हुआ है सो so, अगर आप काजल लवर हैं और आपको काजल लगाना पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस काजल बिकॉज ये वर्थ बाइंग है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ सो नेक्स्ट वी हैव लिपस्टिक्स 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 एंड ये है रेने पाउड स्टे ट्रांसफर प्रूफ लिप्स्टिक्स। इन लिप्स्टिक्स में उन्होंने टोटल नाइन शेड्स लॉन्च करे हैं जिनमें से मेरे पास आज दो शेड्स हैं आउटर पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं एम की अगर बात करें तो इनका एम है थ्री नाइनटी नाइन रुपीज फॉर टू ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एमेजोन पे ये लिपस्टिक्स आपको ईजीली थ्री फोर्टी में अवेलेबल हो जाएंगी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है तीन साल की दीज लिपस्टिक्स कम्स विद एस पी एफ ट्वेंटी एंड ये एंडरिस्ड है विद हाइलुरिक एसिड एंड वाइटमिन ई जिसकी वजह से आपकी लिप्स पर बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है आउटर बॉक्स पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन की हुई मिल जाती है अब बात करते हैं इंटरनल पैकेजिंग की सो दिस इज हाउ द इंटरनल पैकेजिंग लुक्स ब्लैक कलर की पैकेजिंग है एंड ये रिट्रेक्टेबल फॉर्म में है लिपस्टिक के बॉटम में आपको कुछ इस तरीके से शेड मेंशन किया हुआ मिल जाएगा जिससे शेड फाइंड करना काफ़ी आसान है मेरे पास यहाँ पे दो शेड हैं लिया एंड एला दोनों ही शेड्स बहुत ही खूबसूरत न्यूड शेड्स हैं जिनके स्कोचेज मैं आपको अभी दिखाऊंगी सो दिस इज़ हाउ द शेड लिया लुक्स बहुत ही खूबसूरत सा न्यूड शेड है एंड ये थोड़ा सा मुआविश काइंड ऑफ न्यूड शेड है कुछ इतनी क्वान्टिटी आपको लिपस्टिक की मिल जाती है एंड वन स्वाइप एप्लीकेशन भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इन लिपस्टिक्स की एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं वो बहुत ही कम्फर्टेबल है एप्लीकेशन के टाइम ईजिली आपके लिप्स पर ग्लाइड हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद ये मैट में सेटल हो जाती हैं एंड ऐसे शेड्स हर स्किन टोन को सूट करते हैं सो आप किसी भी स्किन टोन के हैं इस पर्टिकुलर शेड लिया को परचेज कर सकते हैं नेक्स्ट आई हैव दिस शेड कॉल्ड एला एंड एला इज ऑल्सो अ न्यूड शेड ये ब्राउनिश न्यूड काइंड ऑफ शेड है जो कि लाइट ब्राउन न्यूड शेड है और इसका भी आप लोग स्पॉच देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है ईजिली ग्लाइड हो जाता है एंड आपके लिप्स पर काफी कंफर्टेबल फील करवाती हैं ये लिपस्टिक्स और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका स्मज टेस्ट लेकिन उससे पहले इसका एक कॉन जान लीजिए कि ये जो लिपस्टिक्स हैं इन्हें अगर आप ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो जब आप इसे अंदर लेंगे उस टाइम पर आप देखेंगे कि इसका जो आ, आउटर पैकेजिंग है उसके अंदर ये थोड़ी सी लिपस्टिक्स लग जाती हैं इसलिए ज़्यादा बाहर ना निकालें जितना आपको अप्लाई करना है उतना ही इस लिपस्टिक को बाहर निकालें एंड ही यू कैन सी ये लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे से, से सेट हो जाती हैं बिल्कुल भी स्मज नहीं होती हैं एंड ना ही ट्रांसफ़र होती हैं साथ ही ये लिपस्टिक्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं, आराम से आपके लिप्स पर सात से आठ घंटे तक स्टे करती हैं अगर हैवी मील भी लेते हैं तो भी अच्छे से आपके लिप्स पर स्टे करती हैं सो so, मेरी तरफ से ये लिपस्टिक्स भी हाईली रिकमेंडेड हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक्स पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज लिपस्टिक्स बिकॉज प्राइज वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक हैं सो दिस वन इज रेने सकर ऑयल पुलिंग स्टिक बेसिकली एक प्राइमर है जो कि स्टिक फॉर्मेट में है ये आपके फेस की एक्सेस शाइन को दूर करने में हेल्प करता है और आपके पोर्स एंड फाइन लाइन को ब्लर करने में भी हेल्प करता है मेकअप के लिए अच्छा बेस रेडी करने में आपकी मदद करता है सो so, इसका अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा मैं अपने फेस पर वगैरह अप्लाई करके आपको डिटेल में बताऊंगी इसके प्रोज एंड कॉन्स एमआरपी है थ्री नाइनटी नाइन रुपीज बट ये इजिली आपको एमेजोन पे थ्री ट्वेंटी रुपीज में मिल जाएगा पाँच ग्राम की टी मिल जाएगी एंड पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं काफी ट्रैवल फ्रेंडली है इसे आपको डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करना होता है सो so, यहाँ आप देख सकते हैं लगाने में थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो रही थी बट एप्लीकेशन के बाद आई कैन सी कि इसने मेरे हाथों पर जो लाइंस हैं उनको काफी अच्छे से ब्लर कर दिया है सो ऑन द गो के लिए इट सीम्स अ गुड प्रोडक्ट डू लेट मी नो अबाउट द डिटेल रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वी हैव रेने स्टिक ऑन नील्स एंड इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुकी हूँ एंड इसमें आपको टोटल ट्वेंटी फोर नेल्स मिल जाते हैं जनरली आपको बारह नेल्स ही मिलते हैं किसी भी नेल किट में बट इसमें आपको ट्वेंटी फोर नेल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप दो बार आराम से यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो ये स्टिक ऑन एंड प्रेस ऑन नेल्स हैं जिनको यूज़ करने का बिल्कुल कोई ताम झम नहीं है काफ़ी ईजी टू यूज़ हैं एंड इनका एम आर पी है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ बट ये ईजीली आपको थ्री फोर्टी या थ्री फिफ्टी के अंदर मिल जाएंगे अमेजन पर साथ ही सारी डिटेल्स आपको बैक पर मेंशन की हुई मिल जाएगी कि इसे कैसे यूज करना है सो so, कुछ इस तरीके से आपको ये रहने के ऑन नेल्स रिसीव होते हैं इसमें टोटल आपको 24 नेल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप बार बार री यूज कर सकते हैं इस किट में आपको एक नेल पॉलिश रिमूवर वाइप एक नेल बफर और एक क्यूटिकल पुशर मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं हर नेल के पीछे कुछ इस तरीके से ग्लू टेप स्टिक करी हुई है उसकी ऊपर की लेयर को आपको कुछ इस तरीके से पील करके हटाना है एंड देन जो भी नेल पर आपको नेल लगाने हैं उस नेल के ऊपर इसे रखकर अच्छे से फिक्स करना है और अच्छे से प्रेस करना है एंड इट्स डन सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मेरी तरफ से तो ये एक मस्ट बाय है मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ सो दिस वन इज रेने बॉलीवुड फिल्टर फेस प्राइमर एंड ये ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है रेने का इसका प्राइस है फोर फिफ्टी रुपीज बट ये इजिली आपको एमेजोन पे थ्री हंड्रेड रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा क्वांटिटी आपको मिलती है फिफ्टीन ग्राम की एंड शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है तीन साल की एंड दिस इज हाउ द इंटरनल पैकेजिंग लुक्स लाइक ट्रांसपेरेंट जार में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है एंड इसके ऊपर एक लिड भी लगी हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्ट स्पिल होने के चांसेस नहीं है और जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी इट लुक्स लाइक अ सिलिकॉन प्राइमर जो कि बहुत ही लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होता है एंड यह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करता है तो फैलने के चांसेस नहीं है ये प्रोडक्ट रिंकल्स फाइन लाइन्स एंड पोर्स को इंस्टेंटली ब्लर आउट कर देता है हाथों पर मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की लाइन्स देखने को मिल रही होंगी सो so, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये प्राइमर और एक ही बार में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूथ सा बेस इसने क्रिएट कर दिया है और लाइन्स को अच्छे से फिल करने में भी हेल्प करता है आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है और जब ऐसी स्मूथ स्किन पर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है साथ ही फ्लॉलेस दिखता है नेक्स्ट वन इज दिस रेने प्रीमियम फ्रेग्रेंस सेट इस सेट में आपको टोटल दो परफ्यूम्स रिसीव होते हैं और दोनों ही फ्रेग्रेंसेज काफी अमेजिंग है दिस वन इज कॉल्ड डार्क डिजायर एंड दूसरी फ्रेग्रेंस है ब्लूम इनका एम है 398 नाइन्टी बट ये अमेजॉन पे 340 फोर्टी में आपको ईजिली मिल जाएंगे एंड क्वांटिटी की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल 16 एम की क्वांटिटी मिल जाती है ये फ्रेग्रेंसेज आपको कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट स्प्रे बॉटल में रिसीव होती हैं और ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है सिंस ये मिनी साइज़ है तो इसे आप कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर आपको ये मिनी साइज अच्छा लगता है तो इसके बाद आप फुल साइज में इन्वेस्ट कर सकते हैं डार्क डिज़ायर के टॉप नोट है मैंड्रीन ग्रेप फ्रूट पेयर पिंक पेपर क्लासेस एंड रेड बेरीज मिडिल नोट है रोज एंड वाटर लिली एंड जैसमिन बेस नोट है मस्क अम्बर चेडरवुड एंड वनीिला इट फील्स सो लग्जूरियस एंड ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है अब बात करते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस ब्लूम के बारे में सो so इसका टॉप नोट है आमंड मिडिल नोट है रोज सैंडलवुड एंड जैस्मिन एंड बेस नोट में है वनीला एंड ककाउ टों का सो so ये जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है वो एक लग्जरी फ्रेग्रेंस कैरेलिना हरेरा की कॉपी है ड्यूप है ऐसा कहा जाता है एंड सच में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है दोनों ही फ्रेग्रेंसेज बहुत ही लग्जूरियस फील कराती हैं ऑल्सो गिफ्टिंग के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है तो so गाइज ये था आज का वीडियो होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही अगर आपने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं आपसे मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग